देखिए, ये बात स्पष्ट है कि जो इंटरपोल ने है उसको कैलिफोर्निया में उसकी मूवमेंट देके उसको डिटेन किया है, और पंजाब पुलिस या इंडिया की पुलिस का अभी तक कोई इसमें रोल नहीं है। वो लिस्ट अनलिस्ट किया हुआ था, डिक्लेयर किया था गैंगस्टर, और उसका जो नोटिस किया हुआ था उसकी वजह से उधर पकड़ लिया है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसको अभी सेलिब्रेट करने की कोई बात नहीं, उसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। जो सब कुछ बात जब सामने आएगी फिर करना चाहिए। ये पॉलिटिकल गेम खेल रहे हैं ना जो मुख्यमंत्री जी, उसको गुजरात में अनाउंस करके क्रेडिट लेना चाहते हैं। उनको तो मुख्यमंत्री जी को ये सोचना चाहिए कि उनसे तो भाग गया था इनका एक मुलज़म, और उसको दिल्ली पुलिस ने अरेस्ट किया, राजस्थान ने, पंजाब पुलिस तो उसको कह रही थी वो अफ्रीका में चला गया। सो ऐसे बात जो सच ना हो, जो असलियत ना हो, वो बात नहीं कहनी चाहिए। गत दिवस सिद्धू मूसेवाला के पिता ने भी ऐलान किया था कि 2 करोड़ रुपए देंगे। देखिए, वो बेचारे बेवस हैं। अभी तक इतने लंबा अरसा में पुलिस ऑफिशियल वर्जन नहीं दे सकी कि मोटिव ऑफ मर्डर क्या है, क्यों करवाया गया मर्डर। आफ्टर ऑल हर चीज़ का मोटिव होता है। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन अभी तक ये नहीं बता सकी कि मोटिव क्यों आए, किसने कराया है, और उसकी वजह क्या थी, ये प्लान किधर हुआ, एक्सिक्यूट किधर हुआ, लिंक क्या है। सो ये सारी चीज़ें जो है एक केस को कामयाब केस बनाने के लिए सब अभी मिसिंग है। मैं तो समझता हूँ कि बहुत लंबा हो गया इस पे राजनीति छोड़ के, सरकार को ईमानदारी से अच्छा स्ट्रॉन्ग केस बना के मुलजमों को सजा दवानी चाहिए। आपको लगता है कि अब गोल्डी ब्रागर रिटायर करने की बात आ रही है कि कई मामले हल होंगे? नहीं, ये कह नहीं जा सकता, क्योंकि कई दफ़ा तो गैंगस्टर वैसे ही क्रेडिट लेने के लिए कि हमने ये कराया, वो अभी उसकी एक्सट्रेडिशन होगी, एक्सट्रेडिशन होकर कैसे होता है वो सारा कुछ उसके बाद पता चलेगा।